मेरा नाम मिसेज वकास है और मैं एक हेमोफीलिया पेशेंट की मदर हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में ये एक्सप्लेन कर दूँ कि व्हाट इज़ हेमोफीलिया एक्चुअली। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि बाय बर्थ हेमोफीलिक पेशेंट जो होते हैं इनके वाइट सेल्स नहीं होते। वाइट सेल्स मीन के इनके खून में जमने की सलाहियत नहीं होती। अगर इन बच्चों को या इन पेशेंट्स को नॉर्मली भी एक नॉर्मल सा कट भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है इफ़ इट डजंट केयर प्रॉपरली। अगर इसे ऑन टाइम हम ट्रीट नहीं करेंगे और अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो एक मामूली सा कट भी इनकी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो उसके लिए इनकी ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और ये बहुत ही इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हम इसे एक रॉयल डिजीज़ कहते हैं जो कि रॉयल डिजीज़ है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये डिजीज़ ऐसे ऐसे लोगों के साथ है कि जिनके पास दो वक्त का खाना भी अवेलेबल नहीं है जिनके पास। तो ऐसे लोग इस इलाज को किस तरह से, मतलब आई डोंट नो कि किस तरह से मीट करेंगे। इवन दो मैं खुद एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर ये सोसाइटी ना हो तो मे बी मैं खुद भी ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकूं। और ये भी एक हेमोफीलिया का पेशेंट राइट नाउ, इसको भी मैं इसी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लेके आई हूँ। और जस्ट बिकॉज मोहम्मद अहमद कैन आई यू कैन सी उनकी कमर में ये चोट, जो कि हालांकि ये कोई ऐसी चोट नहीं है, ये सिर्फ इसे नॉर्मल सी एक चलते फिरते लग गई है, जैसे एक टेबल का कॉर्नर से टच हुआ और ये चोट इसकी लग गई है। राइट नाउ इसके एंकल जो सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ इसका हाथ चेयर से स्लिप हो गया और ये इसका एंकल इसकी सॉरी इसकी ये एल्बो फ्रीज हो गई है, जिस वजह से हमें ट्रीटमेंट के लिए बहुत, मैं दुबई से भी होके आई हूँ एंड बिलीव मी कि वहाँ पर हमें इसके लिए एक ये इंजेक्शन है जो कि हमें चाहिए होता है हमारे बच्चों के इलाज के लिए। ये इंजेक्शन ये नॉर्मल इसकी मार्केट प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 10 हज़ार है। 10 हज़ार नॉर्मल में मार्केट प्राइस है। ये अगर हम मार्केट से परचेज करेंगे तो हमें मिलेगा, लेकिन हमें ये हमारी सोसाइटी वाले हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और ये इसीलिए कि ये हमारी पेशेंट सोसाइटी, हम फिलहाल अपनी मदद आपके तहत हम ये सब कुछ यहाँ पे एक दूसरे को प्रोवाइड करें, एक दूसरे की हेल्प करें। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप इस सोसाइटी की, इस वेलफेयर सोसाइटी की हमारी हेल्प करें। हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का ये बहुत बड़ा इकदाम है कि ये इस वक्त अपनी मदद आपके तहत ये इदारा चल रहा है। हमें किसी कोई हमारे पास इंटरनेशनल डोनर या कोई इस तरह का गवर्नमेंट लेवल तक हमारे पास कोई ऐसा फंड, प्रॉपर फंड नहीं है, जो हमें ऐसी कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है कि जिसके थ्रू हम अपनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक डोज की प्राइस, एक डोज या मार्केट प्राइस इसकी 10,000 है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मुझे मंथ में इसे 4 से 5 डोज लगाना पड़ गई, ये तो सिर्फ इसके मेडिकल की मेडिकल में मुझे इसका कितना एक्सपेंस है, जो कि मैं नहीं समझती कि कोई भी पेरेंट्स इस तरह, और अगर एक आध बार हो तो मे भी कोई कर भी ले, लेकिन ये लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम इशू है। ये चीज़ इसको लाइफ टाइम, जैसे हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, ये चीज़ इसके लिए लाइफ टाइम ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, जो भी मेरा मैसेज देख रहा है, सुन रहा है, तो काइंडली आप प्लीज़ जितना आप हो सके आप हमारी सोसाइटी को हेल्प करें और आप हमारे साथ मिलके, ताकि हम अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी लाइफ दें जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह।